मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, यहाँ पर हमारे पास एक इशू आया था जिसके अंदर हमारी गाड़ी की जो बैटरी थी वो ड्रेन हो रही थी। जब हम उसको वोल्टेज चेक करते थे तो उसमें जो है गाड़ी को जैसे क्रैंकिंग करते थे तो क्रैंकिंग होने के बाद गाड़ी झटके मार के और क्रैंक होने की कोशिश करती थी लेकिन स्टार्ट नहीं होती थी। और जब हमने इसको चेक किया तो यहाँ पर हमें जो है ना शॉर्ट सर्किट मिला। शॉर्ट सर्किट ऐसे मिला कि ये वायर प्रॉपर ऐसे लगा हुआ था, फिक्स था। और जब हमने यहाँ पर इसके वोल्टेज को ऐसे, पहले तो इनिशियल वोल्टेज हमने चेक किया बैटरी के, इनिशियल वोल्टेज क्रैंक होने के बाद गाड़ी के वोल्टेज कम हो जाते थे। जैसे यहाँ पर 12 दिखा रहा है लेकिन नॉर्मली वोल्टेज 10 हो जाते थे या 11 होते थे क्रैंकिंग होने के बाद। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ से कहाँ से जो है ना वो है शॉर्टेज हुई है, तो इसको हमने यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करी। ये देखें, यानी कि पॉजिटिव और ग्राउंड की आपस में कंटिन्यूटी चेक करी तो ये कंटिन्यूटी कुछ यहाँ से दिखा रहा था, 1.7 ओम्स की कंटिन्यूटी दिखा रहा था। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और ग्राउंड आपस में कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ हुआ है, इससे ये पता चल रहा है। अब कहाँ से शॉर्ट हुआ हुआ है तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें इन वायर्स की तरफ आना है। यानी ये वायर्स जो मुख्तलिफ रिले ब्लॉक और फ्यूज़ ब्लॉक, एक यहाँ वाला और एक वहाँ वाला जो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, उधर डिफरेंट जगह पर जा रही है, वो चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कहाँ से ये वोल्टेज ले रहा है। तो हमने इस चीज़ को नैरो डाउन किया, बारी बारी ये खोले और इस तरीके से हमने जब ये वाला टर्मिनल खोला जिसका नाम है ड्राइविंग कैबिन वाला, तो हमने यहाँ से जब चेक किया तो यहाँ से हमें शॉर्ट मिल दिखा रहा था। ये देखें, ये हमें यहाँ से शॉर्ट दिखा रहा है, यानी ये हमने जब अलहदा कर लिया तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है। यानी कि इसका हमें पीछा करना पड़ेगा, ये कहाँ जा रहा है और ये कहाँ जाके किन चीज़ों को कनेक्टेड हुआ है, तो उससे हमें ये मालूम हो जाएगा वहाँ से ये एरिया शॉर्ट है। बाकी आप देख सकते हैं कहीं पर भी ये शॉर्ट नहीं दिखाएगा, ये सारे ओके हैं। ये देखें, सारे ओके हैं, कहीं से भी शॉर्ट नहीं है, बस ये एरिया। जब हमने मज़ीद इसको नैरो डाउन किया तो ये यहाँ से ओके, इधर से वायरिंग से होता हुआ अंदर जा रहा है और ये अंदर का जो जंक्शन ब्लॉक है जो कि स्टीयरिंग रैक के नीचे लगा हुआ है उसको ये बाकी फ्यूजेस और वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हमने वहाँ से फर्दर फ्यूजेस निकाले तो हमें ये जो है फ्यूजेस, हमने फ्यूजेस और रिलेस निकाली जो कि इससे कनेक्टेड हैं, तो इनमें से ये वाली जो हमें फ्यूज़ मिला जिसका नाम है मेकअप लैंप रूम लाइट वेलकम लाइट ट्रंक, और इसका जब फ्यूज़ निकाला तो ये जो बीप है हमारी जो रिस्टेंस की जो बीप आ रही थी ये खामोश हो गई। इसको तो इसकी बीम्प आप यहाँ पर आके खामोश हो गई, तो इससे ये मतलब हुआ कि ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये वोल्टेज शॉर्ट कर रहा है, यानी बैटरी को कंज्यूम कर रहा है ये वाला हमारा सिस्टम। तो जब मेरा जहन में मेकअप लैंप रूम का लाइट आया तो मैं इसके ऊपर गया और इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ से इसका जो फ्लैप होता है वो टूटा हुआ था और यहाँ से ये वोल्टेज ड्रेन कर रहा था सिस्टम, यानी बैटरी भी कंज्यूम कर रहा था और सिस्टम पूरा आपस में ड्रेन कर रहा था। थैंक यू वेरी मच सर।